हेलो गाइस, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। सो, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लीमेंशन रिएक्शन के बारे में कि क्लीमेंशन रिएक्शन होती क्या है और इसकी मैकेनिज्म किस तरीके से होती है। तो हम ये डिस्कस करने से पहले ये बात कर लेते हैं कि जो क्लीमेंशन रिडक्शन होता है वो जनरली कार्बोनिल कंपाउंड्स के रिडक्शन की मेथड है। इसमें हम कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करते हैं एल्केन्स के अंदर या एलिफेटिक ग्रुप्स के अंदर, हम इसका क्या करते हैं, रिडक्शन कर लेते हैं। तो जनरली क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड यदि उस किसी कंपाउंड में क्या हो, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप हो, तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, है ना। जनरली इस ग्रुप को कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। और जब इस ग्रुप में कार्बन की दो वैलेंसीज, तो ऑक्सीजन से सेटिस्फाई है डबल बॉन्ड से, कार्बन हमेशा चार वैलेंसीज बनाता है या चार बॉन्ड्स बनाता है, तो दो वैलेंसी तो ऑक्सीजन से सेटिस्फाई हुई। और जो दो वैलेंसीज है, अगर इसमें एक R, R का मतलब होता है एल्किल समूह, जैसे CH3 समूह, C2H5 समूह, तो अगर एक तो R हो दूसरा H हो तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और अगर इस H हाइड्रोजन की जगह भी R ही ग्रुप हो या एल्किल ग्रुप हो तो उसको हम बोलते हैं कीटोन, है ना। तो जनरली कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमारे पास आता है एल्डिहाइड और कीटोन। तो जब एल्डिहाइड और कीटोन्स का हम रिडक्शन करते हैं किसकी उपस्थिति में, ये रिएक्टेंट्स यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिडक्शन करने के लिए बहुत सारी मेथड्स होती हैं, जैसे क्लीमेंशन रिडक्शन हो गया, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन हो गया, लेकिन इनमें ये सारी मेथड्स किसकी होती है, कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिडक्शन की मेथड्स होती हैं सारी, क्लीमेंशन अपचयन, वोल्फ-किस्नर अपचयन। तो ये सब मेथड्स में जो हम रिएक्टेंट लेते हैं एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं और इन्हीं का हम क्या करते हैं, रिडक्शन करवाते हैं और एल्केन प्राप्त करते हैं, जिसमें सैचुरेटेड कंपाउंड्स प्राप्त करते हैं। बस इनमें डिफरेंस क्या होता है कि जो हम रिएक्टेंट्स इनके अलावा एल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोनिल ग्रुप्स के अलावा जो ये रिएक्टेंट्स लेते हैं, जिस तरीके के कैटलिस्ट यूज करते हैं उस रिएक्शन के अंदर, वो डिफरेंट होते हैं। अगर हम बात करें क्लीमेंशन अपचयन की या क्लीमेंशन रिडक्शन की जब हम बात करते हैं, तो इसमें कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें हमने कीटोन लिया है, कीटोन का रिडक्शन किसकी उपस्थिति में, जिंक अम्लगम, अम्लगम को जनरली बोलते हैं जिंक, और मर्करी का जो पेस्ट होता है उसको हम अम्लगम बोलते हैं। तो जिंक अम्लगम मतलब जिंक और मर्करी का पेस्ट, उसके साथ ही कंसंट्रेट HCl अगर हम लेते हैं इस रिएक्शन में, जिंक अम्लगम और कंसंट्रेट HCl की उपस्थिति में हम अगर कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन करवाते हैं, अपचयन करवाते हैं, तो हमें एल्केन मिलते हैं, एल्केन या सैचुरेटेड संतृप्त कंपाउंड्स मिलते हैं और हमें वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो सिंपली अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो अगर मैं इसकी क्रियाविधि देखती हूँ क्लीमेंशन अपचयन की, तो किस तरीके से होगी, जो हमारे पास ये कार्बोनिल कंपाउंड है या कार्बोनिल समूह है सी डबल बॉन्ड ओ, इस पे रिएक्शन होती है मोस्टली। यहाँ पे एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, मतलब ये ग्रुप एक आर और एक एच भी हो सकता है और दोनों आर भी हो सकता है। रिएक्शन क्या होती है, इस कार्बोनिल ग्रुप पे होती है। कार्बोनिल ग्रुप में क्या होता है, ये जो हमें कंसंट्रेट HCl लिया है, उस HCl का काम क्या होता है, अम्ल या एसिड H+ प्रोवाइड करना, हमेशा एसिड का काम होता है H+ प्रोवाइड करना रिएक्शन में। तो ये जो हमारा कंसंट्रेट HCl है वो क्या करता है, रिएक्शन में H+ या प्रोटोन प्रोवाइड करता है। अब ये प्रोटोन जो कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में अभी डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन जब एक पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपने ऊपर ले लेता है तो उस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जैसे ही नेगेटिव चार्ज आता है, ये हाइड्रोजन या प्रोटोन क्या करता है, इस ऑक्सीजन पर जाके अटैच्ड हो जाता है। तो जैसे ही ये ऑक्सीजन पे जाके अटैच्ड हो गया, या फिर सिंपली अगर ये बॉन्ड नहीं टूटता है तो भी इसके पास क्या होता है, लॉन पेयर्स होते हैं, ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर्स है और प्रोटोन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्योंकि उसके पास खुद के पास कमी है। तो ये जनरली जाके भी कहाँ अटैच हो जाता है,
ऑक्सीजन पर अटैच हो जाता है, और जैसे ही ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन अटैच होगा इसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसके बॉन्ड्स तीन हो गए। और पॉजिटिव चार्ज आते ही ये क्या करता है, इस कार्बन ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ले लेता है और तोड़ देता है। तो जैसे ही ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अपने ऊपर लेगा, कार्बन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और पॉजिटिव चार्ज आने पर जो जिंक अम्लगम के रूप में हमने जो मेटल ली है जिंक, वो जिंक मेटल क्या करती है, मेटल्स का काम हमेशा ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। तो ये हमेशा मेटल है जिंक, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव स्टेट में आ जाती है। तो ये जिंक मेटल क्या करती है, ये जो हमारा कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, धनात्मक आवेश आ गया है, उसको अपने दो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देती है, दो इलेक्ट्रॉन्स दे देती है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगी इस पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिंक किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिंक से जिंक प्लस टू स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और रिएक्शन से निकल जाता है। सिर्फ यहाँ जिंक का काम क्या है, इस कार्बन को जो पॉजिटिव है उसको इलेक्ट्रॉन देने का काम है। तो पॉजिटिव सेटिस्फाई हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन से, और एक इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज के रूप में रहता है। अब जैसे ही हमारे पास इसने इलेक्ट्रॉन दिए, कार्बन क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया या ऋणात्मक आवेश आ गया, एनायन बन गया। अब क्या करते हैं, इसके हमारा हम एसिड ले रहे हैं, वो कौन सा ले रहे हैं, कंसंट्रेट एसिड ले रहे हैं। और कंसंट्रेट का मतलब होता है उस सॉल्यूशन के अंदर एसिड ज्यादा मात्रा में, अगर एसिड ज्यादा मात्रा में है तो इसका मतलब है कि हमारे पास एच प्लस भी क्या होंगे, अधिक मात्रा में होंगे। अगर कंसंट्रेट एसिड है तो एच प्लस भी अधिक मात्रा में होंगे। तो जो एच प्लस, अब क्या यहाँ नेगेटिव आ गया, जो सॉल्यूशन के अंदर और एच प्लस थे वो क्या करते हैं, एक एच प्लस या प्रोटोन तो इस नेगेटिवली कार्बन पे जाके अटैच हो जाता है, और दूसरा कहाँ अटैच हो जाता है, जो ये ऑक्सीजन के पास लॉन्ग पेयर्स हैं उस पे जाके अटैच हो जाता है। और इस तरीके से हमें ये वाली स्पीसीज मिलती है, दो हाइड्रोजन थे वो दोनों उस वाली स्पीसीज में जुड़ेंगे, तो एक तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था उस पे जुड़ जाएगा, दूसरा ऑक्सीजन के ऊपर लॉन्ग पेयर्स थे उस पे जुड़ जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर लॉन्ग पेयर्स पे एक जुड़ा, ऑक्सीजन के बॉन्ड कितने हो गए, वन टू थ्री बॉन्ड, तीन बॉन्ड हो गए। तो ये क्या करता है, इस CO बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर लेके वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपने ऊपर लेगा, इस कार्बन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, या फिर से एक मेटल आती है जिंक अम्लगम से, जिंक आएगा और इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करेगा, वो खुद जिंक प्लस टू स्टेट में बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इस कार्बन पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज आते ही एक और प्रोटोन आके इससे अटैच हो जाएगा, और ये CH2 या एल्केन जो कार्बोनिल ग्रुप था हमारा, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप था, वो CH2 ग्रुप में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड समूह थे हमारे, एल्डिहाइड या कीटोन जो भी लिख रहे हैं, उस वो समूह किस में चेंज हो गए, एल्केन्स में चेंज हो गए, कंप्लीटली सैचुरेटेड हो गए, है ना। तो इस तरीके से क्लीमेंशन रिडक्शन होता है, और इस तरीके से इसके मैकेनिज्म होती है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।